हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे कच्चे केले के बहुत ही शानदार टेस्टी कोफ्ते। ये कोफ्ते खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बिना किसी झंझट के बहुत आसानी से बन जाता है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ खाइए, बहुत लाजवाब लगता है। और इसके कोफ्ते बहुत नरम और मुलायम बनते हैं, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल मेरी रसोई को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। कच्चे केले के बहुत ही टेस्टी लाजवाब कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम कच्चा केला ले लिया है। तो इस तरह से केले को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करके इसे सुखा लेना है। तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम लिया है, 500 ग्राम ये चार केले आए तो हैं। आप ये जितनी सब्जी बनाना चाहते हैं उतने उसके अनुसार केला ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें एक एक करके ये चारों केले डाल देना है। तो अच्छी तरह से आप डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे इसके डंठल भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके डंठल के साथ ही डाल रही हूँ केला। अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक गिलास पानी, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, एक गिलास बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी है इसके लिए। तो पानी डालने के बाद अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और हाई फ्लेम पे लगभग एक सीटी लगा लेना है। एक सीटी से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये केले ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके कोफ्ते बहुत सॉगी से बनेंगे। सीटी लगने के बाद प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से ठंडा होने दें, इसके बाद इसमें से केले निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने केला निकाल लिया है, जब प्रेशर कुकर ठंडा हो गया था उसके बाद इसमें से हमें केले निकाल लेने हैं। इसके बाद अब इसका छिलका उतार लेना है। तो इस तरह से आप हल्के हाथ से छिलका उतार लीजिएगा, तो वैसे ही पहले से ही फट जाते हैं केले, यानी छिलका अलग हो जाता है इसमें से, तो इसे निकालना बहुत आसान है। तो इस तरह से एक एक करके आप सारे केले का छिलका निकाल दीजिए। तो लीजिए सारे केले का छिलका निकाल दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से एक फोक लेना है, इससे अच्छी तरह से इसको मैश करना है, बिल्कुल इस तरह से प्रेस करते हुए सारे केले को अच्छे से मैश कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए अब हम इसके बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे लगभग 3 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधी छोटी चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है। अब कोफ्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब एक मीडियम साइज का प्याज, इसे बारीक चॉप करके लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से हाथों की सहायता से आप इसे अच्छे से मिला ले। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम कोफ्ता बनाना शुरू करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से इसको गोल राउंड शेप बनाना है, बिल्कुल इस तरह से लड्डू के शेप में, है ना, जैसे कोफ्ता बनाते हैं ना, बिल्कुल यही शेप होनी चाहिए। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो इसी तरह से करके सारे कोफ्ता बॉल्स बना लेने, यानी थोड़ा सा पोर्शन लेना है और हाथों पे इस तरह से सर्कल सा करते जाना, यानी बॉल का शेप दे देना है। तो ऐसे ही सारे कोफ्ता बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने तेल रख दिया था फ्राई करने के लिए। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके ये सारे कोफ्ता बॉल्स डाल देना है। तो इस तरह से करके सारे कोफ्ता बॉल्स, यानी जितना कढ़ाई में आ जाए बस उतना हमें कोफ्ता बॉल्स डालना है और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है बिना टच किए हुए। एक तरह से जब ये ऐसा कलर दिखने लगे ना बिल्कुल, तो यहाँ पे हम फ्लिप कर देंगे, यानी फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो ये लीजिए दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें निकाल देना ये सारे कोफ्ता बॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कोफ्ता कितना टेस्टी लग रहा है ना, एकदम परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहीं पे ये सारे कोफ्ता निकाल करके हमें रेडी कर लेना और इसी तरह से हम सेकेंड बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए टेस्टी सा कोफ्ता बॉल्स रेडी हो चुका है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से एकदम नरम मुलायम।
आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, लेकिन हमें इसका सब्जी बनाना है तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाही लेंगे, इसमें डालेंगे लगभग 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स ये सब्जी ना सरसों तेल में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 डालेंगे ये तेज पत्ता और इसे हमें भून लेना है। 1 पिंच हींग डालना है फ्रेंड्स, हींग डालिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है और इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है सब्जी में। अब इन्हें थोड़ा सा भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और इसका प्यूरी बना लेना है। तो इस तरह से पीस लीजिएगा, एकदम बारीक पीसना है प्याज को। और हाँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल में ना खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं। अब प्याज को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम लेंगे लगभग 2 टमाटर का प्यूरी। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसे भी मैंने बारीक पीस लिया है बिल्कुल इस तरह से। और प्याज और टमाटर दोनों को अलग अलग पीस करके डालिएगा फ्रेंड्स, इससे सब्जी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब टमाटर को भी इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 1/2 कप पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बिल्कुल इसी स्टेज पे हमें सारे मसाले डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़े से डाला है मैंने मीट मसाला। आप चाहते हैं यहाँ पे किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मीट मसाला डालने से ना कोफ्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये सीक्रेट मसाला। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अब यहाँ पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक यहाँ पे कम ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोफ्ता बॉल्स में भी नमक डला हुआ है। नमक डालने के बाद इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब इन्हें भी करना अच्छे से मिक्स और इसे मीडियम फ्लेम पे मसाला को अच्छी तरह से भूनना है, जब तक ये ऑयल सेपरेट हो जाए, यानी जब तक मसाले में ऑयल रिलीज ना हो जाए तब तक हमें मसाला को भूनना है। तो लीजिए आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून चुका है, यह देख सकते हैं आप ऑयल रिलीज कर दिया है मसाला और ये बहुत अच्छे से मसाला भून चुका है। इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को सच में बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए मसाला दिखा रहे कितना दानेदार बना है। तो इसके कोफ्ते ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बिल्कुल इसी स्टेज पे अब हम डाल देंगे पानी, क्योंकि इससे ज़्यादा मसाला अब हमें भूनना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी डाल सकते हैं। अब इन्हें करना अच्छे से मिक्स। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो यहाँ पर हरा धनिया डाल दीजिए और इन्हें करना है अच्छे से मिक्स। और इसमें 1 उबाल लाना है, इसे ढक करके हमें लगभग हाई फ्लेम पे 1 उबाल आने तक पकाएंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। यहाँ पे ग्रेवी हमें थोड़ी पतली रखनी होती है, क्योंकि जब हम कोफ्ता बॉल्स डालेंगे ना तो उसमें बेसन होने के कारण ग्रेवी बाद में गाढ़ी हो जाती है। अब इसी स्टेज पे हम ये सारे कोफ्ता बॉल्स एक एक करके डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पकाएंगे, ढक करके 1 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ पका लें ताकि इसके सारे बॉल्स के अंदर सारा ग्रेवी चले जाए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये लीजिए 1 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अब यहीं पे गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी केले के कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बिना किसी झंझट के, बिना किसी तामझाम के, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस कोफ्ता बॉल्स रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसे आप पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। कम समय में अगर कुछ टेस्टी सा सब्जी खाने का मन हो तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके कोफ्ते कितने नरम बनाए हैं मैं आपको दिखा दे रही हूँ तोड़ करके। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।